हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। थलाजीत की आने वाली फिल्म विश्वेशम का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जी हाँ, दो मिनट पंद्रह सेकंड के इस ट्रेलर में बहुत कुछ चीजें आपको देखने को और समझने को मिलेगी। सबसे पहले बता दूं कि मैंने इनकी पिछली फिल्म विवेगम देखी है और विवेगम का एक्शन देखकर मैं इतना साफ कह सकता हूँ कि ये फिल्म बहुत ज्यादा उससे डिफरेंट है, लेकिन एक्शन इसमें भी भरपूर होगा। और वहां से विवेगम के बाद से ही मैं इनका कहीं ना कहीं फैन बन चुका हूं। एक बड़े स्केल पर बनाई गई थी और इस फिल्म को भी डायरेक्ट करने वाले हैं वो शिवा, इस फिल्म का डायरेक्टर है शिवा नाम उनका, और सिनेमेटोग्राफी वेट्री की है। और यहाँ पर कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस फिल्म को आई थिंक ये फिल्म पोंगल में आने वाली 2019 में, और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर हमारे जो हीरो है इनके साथ नयनतारा जो एक्ट्रेस है वो नजर आने वाली है। अब बात करते हैं इस फिल्म में क्या खासियत है या क्या अलग चीजें नजर आ रही हैं। जगपति बापू हमें इस फिल्म में नजर आ रहे हैं, वो विलेन के तौर पर, अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो माफी चाहता हूँ। और एक अच्छा खासा विलेन वाला रोल निभाते नजर आए हैं अभी तक जगपति बापू। और यहाँ पर एक और चीज है कि ये फिल्म पूरी की पूरी एक गांव में बसी हुई है, एक रूरल जगह जो हम कहते हैं ना, एक पिछड़े इलाके हो या एक मतलब एक गांव में बसी हुई, मतलब सीधी सी बात है। वो फिल्म विवेगम जो थी बहुत ही एक्शन था, शहर में थी, बहुत ज्यादा है ना उस तरह से थी, अर्बन कूल फिल्म आप समझ सकते हो उसे। और यहाँ पर ये फिल्म है गांव में बसी हुई है, किस तरह से एक आमना सामना होता है विवेगम या विश्वाशम यानी कि हमारा जो हीरो है थलाजीत का जगपति बापू से, उसके ऊपर कहीं ना कहीं फिल्म बेस्ड है। और यहाँ पे एक बड़े कोई पर्सनैलिटी नजर आ रहे हैं विश्वेशम यानी कि कोई मंत्री संतरी नजर आ रहे हैं, तो आई थिंक फिल्म बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। लोगों को एक्शन बहुत पसंद आएगा और मुझे इस फिल्म के ट्रेलर का एक एक्शन बहुत अच्छा लगा, जो वो टॉयलेट में मारधाड़ करते वो सीन्स बहुत अच्छे लगे मुझे, और स्लो मोशन को सीन्स है जो बहुत अच्छे लगे। ओवरऑल जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत अच्छा लगा, शॉट्स बहुत अच्छे लगे और अच्छा लगा अभी तक। और उम्मीद करता हूँ कि फिल्म जब पोंगल पर आएगी 2019 पे तो फिल्म भी कमाल की होगी। मेरे ख्याल से विश्वेशम थलाजीत बहुत बड़े पॉपुलर सुपरस्टार है और इनकी फिल्म बहुत बढ़िया कलेक्शंस करती है, और इस फिल्म से भी वही उम्मीदें हैं। और रिव्यू की जहां तक बात की जाए, मैं रिव्यू इस फिल्म का प्रॉपर रेटिंग के साथ नहीं दे सकता क्योंकि मैंने जो सबटाइटल भी चेक करने का कोशिश किया वो सबटाइटल मुझे इंग्लिश में नहीं मिला, तो बहुत सारी चीज शायद मैं नहीं समझ सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा ये फिल्म बहुत अच्छी चलने वाली है। तो आप कितने एक्साइटेड थलाजीत की आने वाली फिल्म विश्वेशम के बारे में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल इतना ही।